अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि टीचिंग जोन चैनल्स आपके लिए इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस लेके हाजिर होता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज की ये वीडियो उन वफाकी मुलाजमीन के लिए जिनके बच्चे मैट्रिक या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तालीम हासिल कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और उनके अकाउंट से बैनुअल रिटर्न फंड की डिडक्शन हो रही है। वो थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि 40,000 रुपीस तक जो है गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट। दोस्तों, हर साल फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है FEBGIF ये जो है कंपटीशन मुनक्किद कराते हैं। ये कंपटीशन एसे राइटिंग का है। अगर आपके बच्चे मैट्रिक और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जेरे तालीम है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, इसकी कोई कदरम नहीं है, और आपके बच्चे जो है इस ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप भी 40,000 तक की रकम का जो है वो अर्न कर सकते हैं। करना क्या है, इसके लिए आपको ये करना है कि टू कैटेगरीज हैं। एक जो कैटेगरी है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें भी फर्दर फिर टू कैटेगरीज हैं। वो कौन कौन सी, इंग्लिश और उर्दू। इसी तरीके से सेम टू कैटेगरीज हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, उसमें भी इंग्लिश और उर्दू। जो फर्स्ट कैटेगरी है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम मेरिट एंड डीमेरिट्स। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो इंग्लिश का टॉपिक है एसए का, वो है इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ मास मीडिया ड्यूरिंग द पैनडेमिक। अब जो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो उर्दू में एसए का है वो है अदम बर्दाश्त के नुकसान, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मीन जो FAFSC ICS वगैरह प्रोग्राम्स हैं उनमें मुल्की तरक्की में पेशेवर तालीम का किरदार, ये उनका टॉपिक है। इसके साथ जो इस प्रोग्राम के साइलेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि इंग्लिश की जो कैटेगरी है मैट्रिक्स की फर्स्ट पोजीशन पे 35,000, सेकंड पोजीशन पे 25,000 और थर्ड पोजीशन पे 15,000 प्राइजेस है, और उर्दू की कैटेगरीज में भी 35, 25 और 15,000 के प्राइजेस हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वहाँ जो इंग्लिश कैटेगरी है उस और उर्दू कैटेगरी 40,000, सेकंड पोजीशंस के लिए 30,000 और थर्ड पोजीशन के लिए 20,000 रुपीस के प्राइजेस जो हैं ये जो है मुख्तस किए गए हैं। जो कंडीशंस है वो बताता चलूँ कि जो एसे की लेंथ है वो 1200 वर्ड्स से 1500 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। कोशिश करें 1200 वर्ड से कम ना हो और जो है 1500 से वर्ड से भी ज्यादा ना हो। ऐसे विद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो फॉर्म्स हैं या ड्यू डेट के बाद जो डिस्पैच होंगे उसके कंसीडर उन्हें नहीं किया जाएगा। प्लेजरिज्म भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। किसी का कंटेंट उठा के उसको जो है पेस्ट नहीं कर देना, ये भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसके बाद आते हैं ऐसे जो हैं इसके लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो नॉमिनेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे जो है मार्क कराए जाएंगे, चेक कराए जाएंगे, और उसकी बुनियाद पे जो है फैसला होगा। लास्ट डेट इस जो स्क्रिप्ट की है ऐसे की वो है 30 अप्रैल, मीन्स कि आज 9 अप्रैल है, 21 डेज जो हैं आपके पास अवेलेबल है, 3 वीक्स है, और 3 वीक्स में ये जो है पहुंच जानी चाहिए। ये किस जगह पे पहुंचेगी जी, बेनिफिट फंड बिल्डिंग शारा ए सहरवर्दी 0 पॉइंट इस्लामाबाद, और कॉन्टैक्ट नंबर है 0519252328, और ये जो है डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट डिविजन का। जो इनका पंफलेट शाया हुआ है वो वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशंस है वो वेल इन टाइम जो है वो मिल जाए। बड़े आराम से जो है बेल आइकन जो है प्रेस कर दें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।